तुझको क्या परवाह। घर में सब ठीक तो है ना? कार ठीक है जी। क्या हो गया? बेगम साहब ने मुझे घर से निकाल दिया। मिला मजा मैं कसूर। फरवाद तनवीर के साथ गाड़ी पे जा रहे थे। ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। नहीं बात कुछ और है। तनवीर, तनवीर, बस फरवा बस, बहुत खेल लिया तुमने माँ बाप के जज्बात से। गोगी तुम एक डफर इंसान हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं कभी भी नहीं होगी। कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना आइंदा मुझे। प्लीज मेरी सुनो बात, जहाँ अल्लाह ने करोड़ों रुपए की जायदाद और कारोबार दिया वहाँ पे करोड़ों रुपए का दिमाग भी दिया गोगी को। मेरी जान ऐसे में 5-5 हज़ार के लीडर के पजामे घर में पहनता। गोगी के पास प्लान बी भी है। आपको इस तरह ओपनली फरवा को सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। तो क्या करती? तहमुल से काम लेती। आपको अंदाजा है कि अब क्या होगा? क्या? फरवा आपकी इकलौती औलाद है और निहायत सादा दिमाग भी। तनवीर ये सब हालात अच्छी तरह जानता है और उसने बहुत ही चालाकी से फरवा को अपने जाल में फंसाया। लेकिन आप लोगों ने फरवा को ये सब बता के उसके सामने भागने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? होना क्या है, अब कुछ ही दिनों में वो जायदाद का मुतालबा करेगा। और सोच लें, आप लोगों ने पहले से ही बहुत कुछ फरवा के नाम किया हुआ है। तो हम क्या करें? सिंपल, उसको जायदाद से आग कर दें। वो ना आम सा है, आम सा। कोई डिग्री सिग्री नहीं है उसके पास और ना ही उसे कोई ऐसे पढ़ने शढ़ने का शौक है, ना ही कोई किताब शिताब है उसके पास। और वो जो अच्छी मूवीज आप देखते हैं ऐसे वाव ऐसी मूवीज भी नहीं देखता। अच्छा तो वो क्या करता है? बहुत अमीर है वो, उसका अपना शोरूम है और आपको पता है इसके अलावा भी उसके बहुत सारे कारोबार हैं। जबरदस्त, तो वाकई बहुत अमीर होगा। बहुत ज्यादा, और तो बहुत गुड लुकिंग भी है, यंग भी। कमाल है, तुमने उसे कॉल क्यों नहीं की मंगनी वाले दिन? वो इसलिए कि बहुत सी बेल्स उसी वक्त बजती हैं जब उन्हें बजना नहीं चाहिए। तुम्हारी मंगनी वाले दिन जो मेरे फोन पे बेल बजी, शायद उस वक्त उसे बिल्कुल नहीं बजना चाहिए था। Excuse me. सर, आपको जहमत दी, एक काम कीजिए। जी फरमाइए। आप फरवा की गुमशुदगी और अगवा का पर्चा करवाइए और यहां मैं अपनी कार्रवाई करता हूं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि वो नमक हराम फरवा को लेके भाग गया है। सर आप मुझे छोड़ देंगे ना, मैं माँ बाप की इतनी लीस्ट इम्पोर्टेंट हो जाऊंगी कि आपके घर से म्यूजिक, मोहब्बत और एतबार का जनाजा उठ गया। आपको जहमत दी, एक काम कीजिए। जी फरमाइए। आप फरवा की गुमशुदगी और अगवा का पर्चा करवाइए और यहां मैं अपनी कार्रवाई करता हूं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि वो नमक हराम फरवा को लेके भाग गया है। सईद साहब, फरवा यहीं है मेरे पास, मेरे घर में। कोई किसी को लेकर नहीं भागा है। क्या?
आप देखिएगा मामानी जान, जैसे ही तनवीर को एक खबर मिलेगी सब कुछ वाजे हो जाएगा। वो ऐसा भागेगा फरवा से। हाँ भाई। अब मामू जान आपने सर को बता दिया उसके अगवा के बारे में? अरे बेटा फरवा तो वही है, मुस्तंसर के घर। तो फरवा यहाँ से अपने घर चली गई थी? हाँ शायद उसका प्लान चेंज। अच्छा बेटे ऊपर कोई भी नहीं है, आप ऐसा करो कि बशीर को किदवाई साहब के पास भेज दो। वैसे भी मैं आज बहुत बिजी हूँ, और फरवा का मामला सेटल हो गया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। भाई मुस्तंसर ये कह रहे थे कि क्या आपको अपनी बेटी पे बिल्कुल भी एतबार नहीं? तुम्हारे घर से फोन था, वो लोग तुम्हें आप करने का सोच रहे थे। क्यों? हैरत है आसमा ऐसा क्यों कर रही है? तो वो लोग आसमा के कहने पे मुझे आग कर रहे हैं। देखो फरवा कसूर उनका नहीं है, हालात जो तस्वीर बना रहे थे वो बिल्कुल ऐसी ही थी, और आसमा की एक्ट ऑन इम्पल्स थियरी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उन लोगों को ऐसा करने का कहे। प्लीज सर, सर आप मुझे छोड़ देंगे ना, मैं माँ बाप की इतनी लीस्ट इम्पोर्टेंट हो जाऊंगी कि वो तो शुक्र करेंगे कि कोई तो आया। प्लीज सर, प्लीज मेरी हेल्प करें। तुम्हें इस बात का बिल्कुल दुख नहीं कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे इतने बदजन हैं? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि वो लोग तो वही कह रहे हैं ना जो उन्हें करना चाहिए। अब आप खुद ही सोचें, आपका एक बाजू टूट जाए और किसी तरह से ठीक ही ना हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मेरे दोनों बाजू ठीक है। आप नहीं समझेंगे। उफ़ो, ये क्या कर रहे हैं आप? साइड टेबल्स तो ऐसे ही रैप करके ले जाते हैं मूवर्स, वरना आसमान ने तो सारा इंतजाम कर ही लिया है। होएगा? होएगा क्या, ऐसे ही है। क्यों खुद को थका रहे हैं? अरे भाई बिला वजह भी कोई खुद को थकाता है, हैं? तो ये वक्त है। अब वक्त ने क्या कर दिया? ओ भाई वक्त ने कुछ नहीं किया, बात इतनी सी है कि मैं इन सब चीजों का आदी हूं। ये मेरे सराहने मौजूद रहती हैं, मैं जब दिल चाहता है इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेता हूं। आखिर इन दराजों में ऐसी कौन सी चीज है? कोई खास चीज नहीं है, लेकिन आम भी नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे इकट्ठा कर लेना दो। बिल्कुल बूढ़ों वाली बातें कर रहे हैं आप। जब बच्चे आपके बनाए हुए घोंसले में नक्श निकालने लगे ना, तो समझिए कि सूरज डूब रहा है। अब हम बूढ़े हो गए हैं। बशीर कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम? जी वो जी ये कुछ सामान था। क्या है? वो साहब ने टेप रिकॉर्ड और कैसेट दिया था। बेगम साहब बड़े गुस्से में थी, मैं तो डर गया था जी। बस जी ये सामान वापस करने के लिए आया हूँ। इस घर का
नमक खाया जी, किसी के हुक्म को टाल नहीं सकता। बेगम साहब कहती है तनवीर अपनी शक्ल ना दिखाना। नहीं दिखाऊंगा जी, कभी नहीं दिखाऊंगा। पहले सोचा था फरवा बीवी की बात मान लेंगी, लेकिन पता नहीं ये घर वो घर ही नहीं रहा जब 12 साल का तनवीर आया था और बेगम साहब ने बेटा कह के गले से लगाया था। जा रहा हूं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुअर सोल। अरे ये आप क्यों लेके उठाए फिर रहे हैं? बशीर को कहते प्लीज यहाँ रख दीजिए। रख दीजिए, मैं उसे बुलाती हूँ, वो उठा लेगा। बशीर, बशीर। मिसेस सईद, मैं बड़ा आसान चलने वाला आदमी हूँ जी, बड़ा इजी गोइंग, लेकिन जो कुछ हुआ है ना जी, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया उससे। आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी नहीं। आसमा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन फरवा भी तो आपकी बेटी है। मगर आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, ये तनवीर देख गया है, मेरा इस घर से ताल्लुक बहुत सिर्फ चंद हफ्तों का है, लेकिन उस लड़के की आंखों में जो आंसू मैंने देखे, वो एक ईमानदार शख्स था, और मुझे शर्म आती है कि मैं भी इसी हजूम का एक हिस्सा बन गया। ईमान और हया मुलाजमों में भी होती है, और आपने इतनी बड़ी बात सोच कैसे ली? वो आसमा ने, आसमा ने कहा और आपने मान लिया सिर्फ इसलिए कि आपके घर एक फेक सर्टिफिकेट आया? इस हाइपोथेसिस की वजह से आपकी बेटी बेदबार हो गई? आखिर क्यों? देखिए, ये जिंदगी है, यहां किसी बात का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। वो आप नहीं जानते ना हमारी बेटी को, वो वाकई बेवकूफ लड़की है। ये आपका जाती मामला है जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके घर से म्यूजिक, मोहब्बत और एतबार का जनाजा उठ गया। अब कोई बात नहीं सुनूंगी। अच्छा भला ट्रेन किया हुआ मुलाजिम हाथ से निकल गया। भाई, इसमें भी तो आपका अपना कसूर है, मैंने क्या किया है? अस्मा आप ही की भांजी है। तो इसका ये कहा मतलब है कि उसकी हर बात को बिला तस्दीक के आप मान लें? भाई अपनी अकल भी तो इस्तेमाल कीजिए। उसकी बातों में लॉजिक थी, कड़ियां खुद ब खुद ही मिलती गई। शुक्र है कि उसके सारे खदशात गलत साबित हुए। लेकिन अब क्या करेंगे, दो फैमिलीज की मौजूदगी में वैसे ही कुकिंग का काम डबल हो गया था। ये तो तनवीर की हिम्मत थी जो सब कर रहा था। ढूंढ लाएंगे उसको। अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर तनवीर नहीं तो फिर वो सर्टिफिकेट किसने भेजा था? बस इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं, पहली बात बिगड़ते बिगड़ते बची। वो तो फरवा और मुस्तंसर की उम्रों में इतना फर्क था, जब ही वो बात पी गया, कोई और जवान लड़का होता तो। मैं भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। आसमा कहाँ है? नीचे है, अपने घर का नक्शा बना रही। माशाल्लाह, देखो ऐसे भी होते हैं बच्चे। मिट्टू बाजी को शादी के वक्त तो कोई फिक्र ही नहीं थी, ना जहेज की, ना और कुछ लेने देने की। नाई ससुराल वालों का मुंह देना पड़ा, उनकी बच्ची खुद ही इतनी टैलेंटेड है। ये तो है, सारा ससुराल इसी की जबान बोलता है। गट्स तो बहुत है। जो मैं कहूंगी ना आपको वही करना पड़ेगा, और ना मैं घोंसले से गिरा हुआ कोई चूजा हूँ, और ना गोगी कोई बिल्ली है। मैं जानता हूँ तुम चूजा नहीं हो, तुम तो चील हो। चील, जब कोई इसकी बात नहीं मानता ना तो हमला कर देती हूँ मैं।
सर को ना सब कुछ सच सच बता देना, क्योंकि इस वक्त से वो ही है जो हमारी बात पे यकीन करेंगे। बाकी सब तो ना मैडम नसीरा बन गए। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, अगर आप उससे ना भी मिले ना तो फरवाज, दरख्त पे तुम घोंसला देख रही हो? चूड़िया कहीं होगा। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि किसी के घर में घोंसला नहीं बनाते। अगर उस घोंसले से एक बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसके पर भी ना निकले हो, तुम्हारी गोद में आ गिरे तो क्या मैं उसका ख्याल रखूंगी? और वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको उड़ा दूंगी। और अगर उस घर में बिल्ली भी हो तो? लेकिन हमारे भी घर में तो कोई बिल्ली नहीं है। फर्ज करो। और अगर मैं ना फर्ज करूं तो फिर तुम नहीं समझोगी। या आप मेरी बात का बदला ले रहे हैं ना? फरवा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उससे कहो कि मुझसे मिले, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। जो मैं कहूंगी ना आपको वही करना पड़ेगा। और ना मैं घोंसले से गिरा हुआ कोई चूजा हूँ और ना गोगी कोई बिल्ली है। मैं जानता हूँ तुम चूजा नहीं हो, तुम तो चील हो। चील जो अगर कोई इसकी बात नहीं मानता ना तो हमला कर देती हूँ मैं। अच्छा, हेलो, वो मैंने बात कर ली है कॉन्ट्रैक्टर से घर डिमोलिश करने की। आसमान, सब ठीक है? क्या हुआ? सब ठीक नहीं है जुनैद। मतलब मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। कैसे? तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि तुम शादी के बाद अपनी बीवी के साथ घूमो फिरो, है ना? वो तो एक स्टूपिड सी बैंडवैगन थी, यू नो। वेल, लेट्स जंप ऑन द बैंडवैगन। मतलब अब सब कुछ कैंसिल, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? वेल, लेट्स गो टू द स्टार्स, जाने दो। दिल तो चाह रहा है ना कि तुमसे बात भी ना करूं, लेकिन मजबूरी है। ओ यार, वेरी गुड, माय ऑरेंज मिल्क शेक, खुश कर दिया यार तुमने। मुझे बताओ, वो तोते की नाक वाले वो सर से तुम्हारी बात हुई है? गोगी, बहुत ही बदतमीजी की बात है ये। नहीं यार, आई एम रियली सॉरी। अगर इस वक्त तुम मेरी शक्ल देख लो तो तुम्हें 100% अंदाजा हो जाए कि मैं बहुत ज्यादा और सख्त शर्मिंदा बैठा हूँ। अच्छा, वो जो आपके मोहतरम सर हैं, आपकी उनसे बात हुई है? हाँ, कर ली। तुमसे मिलना चाहते हैं वो। वेरी फाइन, मैं तो मॉर्निंग से मेंटली तौर पे तैयार बैठा हुआ हूँ। कहती है तो मैं आ जाता हूँ। हाँ, ज्यादा तुराओ नहीं अगर। अच्छा सही है, आ जाओ। और सुनो, सर को ना सब कुछ सच से बता देना, क्योंकि इस वक्त से वो ही है जो हमारी बात पे यकीन करेंगे। बाकी सब तो ना मैडम नसीरा बन गए। मैडम नसीरा? अरे यार, मेरे स्कूल में एक टीचर थी। तुम सब कुछ छोड़ो और गधे फौरन से आओ, फौरन से। सही है, मैं फोन रख रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। ओके, आजा भी सर, तेरी तो चंपी करूँ ना जरा।
फिर से शिफ्टिंग मुमकिन ही नहीं है। और इस तरह से इनके घर में रहना? आसमा भी बहुत शर्मिंदा है। होएगी? अरे है ना, असल में उसका अंदाजा गलत निकला। उसने तो अपनी कजिन की हरकतों को देखते हुए एनालाइज किया था। अफसोस, सद अफसोस। अफसोस तो मुझे भी बहुत है। आसमा कितनी शर्मिंदा होगी। बताया कहां जा रही है? हाँ, ट्रिनिडाड। ट्रिनिडाड? ट्रिनिडाड क्यों? अब ये तो वही जाने। मैंने एक फैसला किया है। क्या? बताऊंगा, वक्त आने बताऊंगा। इंसान भी बड़ी मजाका खेज मखलूक है। वालेकुम अस्सलाम। मैं जहांगीर। आप पूरे 10 मिनट लेट हैं। बहुत रश था बाहर सर। इस वक्त रश इस इलाके में? मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा अपसेट फील कर रही थी, डिस्टर्ब हो गई थी सारी, इसलिए देर। इस मॉडल की गाड़ी की असल कीमत के ऊपर 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अभी से गड़बड़ होने लगी? मतलब बॉस घर है, कोई बैंक में बिल थोड़ी जमा कराने आए हो। आई मीन लुक एट माय वॉच, 10 मिनट ऊपर हुए। ओके, कल सुबह 9 बजे शाम। बॉस बात तो सुने, आपके कौन से बच्चे रो रहे हैं, आपने डायपर चेंज करने, 10 मिनट में क्या घिस जाना आपका? अगर बात करनी है तो कल सुबह मिलेंगे तमीज से। गुड नाइट फॉर नाउ। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही होगा। ये कोई तरीका नहीं है कि हर बार किचन में खड़बड़ खड़बड़ होती रहे। तोते की नाक वाला जो है ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का बाबा, तो देखी फरवा उसके नाक में दम कर कर की चीती है, शहजादी है, पीच है। कंचन भी ले आना, एक हाथ फायर भी कर देना, डर जाएंगे, रो पड़ता है ना। किसको क्या परवाह है साईं की, वैसे भी ना गोगी हर तरह के कागजात बना सकता है। जैसे एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट। ATV, सारे रंग हमारे।